सातवें चरण के लिए आज वोटिंग जारी है और इस वक्त हम वाराणसी में हैं। वाराणसी से जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय हैं वो आज मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वो चुनाव के बाद जो अब मतदान की चीजें शुरू हो गई हैं उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। और ये गणेश जी का मंदिर है फिलहाल, अभी ये वहां पे है और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या मैसेज। अजय जी, आज आप मतदान है सातवें और अंतिम चरण का, क्या अपील? निश्चित तौर से अपील मेरा यही आग्रह है कि भाई पूरे लोग निकल कर वोट करें और अपने बेटे काशी के बेटे अजय राय को वोट दें। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने धार्मिक संस्कृति को समझता हो, धर्म को जानता हो, काशी को जानता हो, काशी की मिट्टी को जानता हो और काशी से जुड़ा हो। प्रधानमंत्री जी मौन है, आप खुद मंदिरों में घूम रहे हैं? नहीं, हम तो मंदिर वाले लोग ही हैं, हम मौन धारण नहीं करते। हम जनता के लिए आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, जनता का काम करते हैं। और मैं केवल चुनाव में ही, जैसे आज मोदी जी पिछले चुनाव में भी तपस्या में थे, इस बार भी तपस्या में हैं। हम लोग हमेशा काम करते हैं और हमेशा जनता के सुख दुख में रहते हैं। केवल चुनाव के समय तपस्या करना मुझे लगता है कि ये जनता को भ्रमित करना है। हमेशा जनता के लिए खड़े रहिए और निश्चित तौर से आप, आज बनारस एक ऐसा स्थान है जहां से आप, आपका आशीर्वाद आप लेके निकलोगे तो पूरे देश के अंदर इसका संदेश जाएगा और पूरे देश के अंदर यहाँ की जो पूजा आराधना, यहाँ की जो तपस्या का जो महत्व है वो पूरे दुनिया के अंदर एक अलग। एक आखिरी सवाल, दो बार और आप चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार 4 तारीख को जब मतों की गणना होगी तो आप कितने वोटों से जीतने की? अब ये तो जनता मालिक है, पर निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद है, जनता जिताएगी। अब वो जनता कितने मत से जिताएगी, कितना वोट देगी, ये तो जनता पर निर्भर करता है। मैं चुनाव हारने के बाद भी कभी बनारस नहीं छोड़ा, कभी बाहर नहीं गया, मैं हमेशा काशी में रहा, कभी दक्षिण नहीं गया, काशीवासी हूँ, काशी में काम करता हूँ। चलिए, काशीवासी हूँ, काशीवासियों के साथ रहूंगा। ये अजय राय जी थे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये इस बार जो है जो मतों की गणना होगी तो ये जीत कर संसद पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नीतीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।